जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इरेशनल नंबर। आपने मेरे लास्ट क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए क्या है, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल है आपका रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन एट्सेट्रा। ये सारे नंबर आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं डेसिमल नंबर्स क्या है, और उसमें कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। आपने मेरे लास्ट क्लास में पढ़ा, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप इरेशनल नंबर क्या है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स आपका जैसे है 1.23475 4352 ... ऐसे, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट है 4.02022 00222 00 4 times 2। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर आपका होगा इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट आप और भी है, इरेशनल नंबर क्या होगा, इफ़ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एम कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपका सारे जो है इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका है रूट फाइव, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका है अंडर रूट 35, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 36, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। 35 का आप डेसिमल जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारे नंबर आपका इरेशनल नंबर है। सपोज आपका एक नंबर है 32, जैसे 32 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 5, लेकिन यदि इसमें आए अंडर रूट 32 का पावर 1/6 है, इसको 1/6 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power 5, इसके ऊपर होगा 1/6 इक्वल टू 2 to the power 5/6, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। यदि इसके जगह में होता 32, यहाँ पे होता 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 निकल गया, आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। वेयर एज 32 to the power 1/6 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इरेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फॉलोज ऑल लॉज ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉज ऑफ कम्यूटेटिव है रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू, तो ये आपका सही है, ये इरेशनल नंबर इस रूल को फॉलो करता है। दूसरा है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस रूट थ्री, इसको हम अंडर रूट फाइव प्लस रूट सिक्स और प्लस रूट थ्री भी लिख सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर चेंज होने से आपका इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फाइव, ये दो आपका इरेशनल नंबर है, इक्वल टू अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट थ्री, इसको हम लिख सकते हैं, इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट सेवन इंटू अंडर रूट फाइव इक्वल टू अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट सेवन इंटू अंडर रूट फाइव। तो आप क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है। चलिए इसका और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इरेशनल नंबर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर।
ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपका 3√2 एंड 4√3 ये आपका दो इरेशनल नंबर है, इसको यदि हम सम करेंगे तो ये आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4√3 ये आपका इरेशनल नंबर है, प्लस 4 − √3 ये दूसरा इरेशनल नंबर है, इस दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा आपका =8 विच इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 − √3 ये आपका इरेशनल नंबर है, −5 − √3 दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस है, जो आपका 3 − 5 = −2 आ रहा है, विच इज ए रेशनल नंबर। तो और हम देखते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन में, सपोज 2 इरेशनल नंबर है, √3 × √3 दोनों इरेशनल नंबर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 3 आ गया, जो एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 3√3 × √5 तो ये आपका आ जाएगा 3√50 जो एक इरेशनल नंबर है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि 2 रेशनल नंबर का सम जो है इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, इसी तरह आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ भी है, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और उसका डिवीजन भी रेशनल या इरेशनल हो सकता है। दूसरा क्या है, 2 रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा आपका इरेशनल होगा। एक नंबर मान लीजिए आपका रेशनल है, सपोज 2 आपका रेशनल नंबर है, इसको आप किसी भी इरेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। चलिए बाकी हम इसका नेक्स्ट आप देखेंगे क्या कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आपका एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर √3 √2 √3 √5 √6 ऑन नंबर लाइन। तो इस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए उसको देखते हैं। जैसे आपका √2 है, √2 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 का √2, 1² + 1² का रूट। तो आपका एक्स में आपका 1 लेंगे और इधर आपका 1 यूनिट आपका हाइट होगा, तो इसका जो है √2 नंबर आपका इसको यहाँ पे आएगा। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको एक सर्कल का रेडियस मान लेंगे। ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका ये 0 है और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो ये जो है इसको हम एक रेडियस मान करके इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पे आ करके फॉल करेगा बी पे, तो ये लाइन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया √2 नंबर लाइन पे, समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम √3 को देखते हैं, ये आपका √3 लिखना है, सपोज √3 इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का² + 1 का² इसका √ लिखेंगे, √2 + 1 का √ = 3 ये हो गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, √2 आपका ये हो गया, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपका 1 यूनिट है, 1 cm या 1 mm जो भी लिखना चाहें, और ये √2 हुआ, ये √1, तो यहाँ से इसको जब हम मैच करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब आप इसको एक रेडियस मान लीजिए एक सर्कल का, और इससे आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन पे। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये पॉइंट आपका, तो इसका डिस्टेंस जो है ओ से मान लीजिए ये सी है और ये आपका पॉइंट डी है, तो ओ सी = OD हो जाएगा √3, तो ये लाइन आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3 हो गया। तो इस तरह आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं √5 को कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2² + 1²
अंडर रूट 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया और 1 मान लीजिए यहाँ हो गया आपका, तो ये हो गया 2 और ये 1, ये हो गया आपका डिस्टेंस अंडर रूट 5। ओ है यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे आप क्यू मान लीजिए। तो इसका फिर हम सेम अंडर रूट 5 ओ पी को आप रेडियस मानिए एक सर्किल का, और उसका हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो नंबर लाइन पे फॉल करेगा वो पॉइंट आपका उसका डिस्टेंस 0 से हो जाएगा अंडर रूट 5। चलिए इस पे हम एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये ओ पी इक्वल टू ये मान लीजिए आप आर, तो यहाँ क्या हो गया ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू अंडर रूट 5। तो इस तरह आप नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर को कैसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है कि सपोज उसके डिनोमिनेटर में दिया है आपको एक इरेशनल नंबर, जिसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देखिए 1/2√3 इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो इसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आप देखिए, जैसे 1 है, यदि इसको हम 2+√3 को 2-√3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका डिनोमिनेटर ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो 1 × 2-√3/2+√3 × 2-√3 ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट है। इसको मैंने क्या किया, 2-√3 एक दूसरा इरेशनल नंबर है, उससे मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2-√3/2√3/4-3 = 2-√3 हो गया। तो इस नंबर को आप इरेशनल नंबर कोई दिया है जिसका डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ए सूटेबल इरेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये आपका हो गया इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर। फैक्टर ऑफ 2+√3, तो जैसे a प्लस अंडर रूट बी है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आपका हो गया, रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया a-√b। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और यदि आप कहीं फंस रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे इसको आप सेंड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।